नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप सिंह YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई टूर पे निकले हैं एक नई कंट्री के लिए और देखते हैं पहुंच पाएंगे, क्या करते हैं आगे सब आपके साथ शेयर करेंगे। सामान पीछे रखा हुआ है, गाड़ी पार्किंग में खड़ा करूंगा 5-6 दिन के लिए और लग्जमबर्ग जा रहा हूँ। कुछ काम भी है और कुछ इन्फॉर्मेशंस देंगे आपको कंट्री के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो है, सुना हुआ है कि वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट कंट्री है वो। जाएंगे, मज़ा करेंगे, साथ में आप लोग भी आओ, घुमाते हैं आपको। और एक और मुसीबत मैंने की है कि मैंने जो टिकट की है वो बाया तुर्की की है और तुर्की के लिए इमिग्रेशन जो रिक्वायर्ड होती है, सो तुर्की जाना है तो आपको इमिग्रेशन से होके जाना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं जा सकता जैसे शेंगेन जोन में फ्री फ्लाइट्स हैं, सॉरी मतलब विदाउट इमिग्रेशन जो शेंगेन जोन की फ्लाइट्स चलती हैं। सो आगे जो भी होगा, जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी सब शेयर करेंगे, वीडियोस के साथ बने रहना। दोस्तों गाड़ी तो अपना पार्क लग गया है, अभी रेलवे स्टेशन पे है, ट्रेन लगने में भी है 5-7 मिनट। यहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए ट्रेन चलती है 11 दिन और से, और वापस भी यहीं आ जाती है। तो कोई भी जो भी यहाँ वो करे चाहता है तो कोई पर्सनल टैक्सी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर आधे घंटे में यहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसमें आप रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन वापस आ सकते हैं। और उसका प्राइस भी बहुत कम है, 5 लिया है टिकट अंदर ही मिल जाता है। तो करते हैं जाके चेक इन और फिर मिलते हैं। ये अपना बैग है दोस्तों। अच्छा मैं ना ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के साथ आज से 20 दिन पहले क्या हुआ कि उसने ऐसे बैग रखा, फेस उधर घुमाया, वापस देखा तो बैग नहीं था। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन पे रहते हो तो केयरफुली ख्याल रखा करें, क्योंकि उसमें उनके पासपोर्ट भी थे, बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो पर बाद में पुलिस ने एक्शन लिया तो उनके बैग मिल गए, पासपोर्ट वगैरह सामान तो नहीं मिला। सो इन चीज़ों का रेलवे स्टेशन पे ज़रूर ख्याल रखा करें। सो ट्रेन आ गई है अपनी और एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। सो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बुकारेस्ट रेलवे स्टेशन पर। लो जी लगेज वगैरह जमा हो गया, अभी जाएंगे इमिग्रेशन के लिए, बोर्डिंग पास मिल गया है और फिर आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हैं, इमिग्रेशन क्या बोलती है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि ये आपको मैंने पहले ही बोला था कि मुझे थ्रू ऑफ इमिग्रेशन जाना है। अच्छा जी दोस्तों, ये आपसे क्लियर करना था कि मेरा क्लियर हो गई है इमिग्रेशन और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर रोमानिया में रहते हुए अगर आप शेंगेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहीं से ही जा सकते हैं। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जहां से इमिग्रेशन चेक इन करवाती है तो आप थ्रू ऑफ इमिग्रेशन भी जा सकते हो, पर उसमें यही है कि आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प आएगी एग्ज़िट की और जाने की और आने की स्टैम्प आएगी। जो लोगों को तब पासपोर्ट में स्पेस होता है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं या फ्री शेंगेन जोन के एयरपोर्ट्स या चेक इन के लिए उनको यूज़ करते हो तो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं आती है और जस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कभी कभी वो लोग चेक करते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं बाया तुर्की जा रहा हूँ, तो तुर्की आपको पता ही है कि शेंगेन जोन में नहीं है, तो मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करके ही जाना होगा।
तो मैंने क्रॉस कर लिया, इमिग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, आप कहाँ जा रहे, बोर्डिंग पास देखा और वापस कर दिया, पासपोर्ट पे स्टैंप की और अभी मैं फ़्लाइट लेने के लिए आ गया हूँ। फ़्लाइट लेंगे, तुर्की मेरा स्टे है 3 से 4 घंटे का और फिर मैं पहुँच जाऊँगा लग्जमबर्ग। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने ये फ़्लाइट क्यों चूज़ की, क्योंकि एक्चुअली ये फ़्लाइट सस्ती है, तो इस वजह से मुझे ये जो अप एंड डाउन की टिकट है 250 यूरो की थी, सो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। सो अभी आगे 6 दिन हम वहाँ पे हैं और हर तरह की आपको जानकारी देंगे और बहुत सी जॉब्स की भी लोग बातें करते हैं, वहाँ पे जॉब्स है, बहुत सैलरीज है, बहुत वहाँ पे भी देखेंगे क्या है, ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं है। सो अभी मैं आ गया हूँ लास्ट यहाँ पे गेट पे जहाँ पे मुझे फ़्लाइट लेना है। सो वीडियो के साथ बने रहें, कुछ और भी होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, एक और आपसे बात करनी थी मैंने कि जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो सेम प्रोसेस है, मुझे फिर से इमिग्रेशन फेस करनी पड़ेगी और वहाँ पे वो लोग क्या पूछते हैं, क्या उनके क्वेश्चन आंसर है, ये जो मैं सेकंड पार्ट जो वीडियो का अपलोड करूँगा पहुँचने के बाद उसमें बताऊँगा। बस आप कंटिन्यू एपिसोड देखना, ये बहुत सी काम की बातें भी करेंगे, बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी देंगे आप। तो बने रहें सेकंड पार्ट पर और वीडियोस के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त अभी।